इन दिनों जहां बारिश का मौसम चल रहा है तो वहीं प्रशासन भी अपनी मुस्तैदी के साथ दम भरता है कि किसी प्रकार की क्षेत्र में अनहोनी ना हो, इसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम का दावा भी किया जाता है। लेकिन क्षेत्र में लगभग ऐसी कई महत्वपूर्ण जगह हैं जो कि शासकीय स्तर पर हो या फिर निजी स्तर पर, लेकिन जर्जर भवनों की ओर से किसी का भी ध्यान नहीं हो रहा है। जब घटनाएं घटित हो जाती हैं, तब लंबे चौड़े सुरक्षा के दावे प्रशासन द्वारा किए जाते हैं, लेकिन हाल ही में प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। नगर के जनपद पंचायत कार्यालय में पुराना भवन आज भी जर्जर अवस्था में खड़ा हुआ है, जबकि ठीक उसी से लगे रहवासी निवास में भी जर्जर हालत में है। आरईएस विभाग द्वारा विगत कई वर्षों से जर्जर होने का और बिल्डिंग गिराने का भी फरमान जारी किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद किसी घटना का इंतजार है। आखिर क्यों आज तक जर्जर भवन नहीं गिराया गया? इस मामले में लगातार ये मामला सवालों के घेरे में है। वहीं शारदा प्रबंधक समिति के द्वारा निर्मित स्थानीय घंटाघर चौक पर भी भवन जर्जर स्थिति में है। सुविधाओं का भी अभाव है, इसके बाद भी लोग यहाँ रह रहे हैं। इतना ही नहीं, मेहा नगर के अंदर लगभग दर्जनों भवन हैं जो कि जर्जर हालत में हैं। वहीं प्रशासन द्वारा जर्जर भवनों के लिए अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी तरह तहसील प्रांगण में भी पुराना जर्जर भवन है जो कि कई बार गिर चुका है। यहां तक कि छतों से पानी भी निकल रहा है। देखा जाए तो शहर के तमाम जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला छोड़कर किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं।